नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीसी क्लास। तो आपकी ईएमसी की वर्कशीट आ गई है, जोखिम उठाना पार्ट टू। इससे पहले आपने वीडियो की थी जोखिम उठाना पार्ट वन, टेक रिस्क। रिस्क तो शक्तिमान ने भी लिया था, तो आपको भी लेना पड़ेगा अगर ऊंचाई में सफलता हासिल करनी है तो। लेकिन अब की बार रिस्क का आकलन, तो आकलन करना पड़ेगा आपको रिस्क का। अब तो है तो ये नहीं कि भैया शक्तिमान बनना है तो टेरर्स पे चढ़ गए, आप छत पे चढ़ गए और घूम घूम सकते सर गोल गोल घूम के नीचे, अब ये तो गिर जाओगे ना। आकलन किया आपने इसका होगा कि नहीं होगा, भैया ऐसा नहीं होता। तो उसका आपको आकलन करना पड़ता है, रिस्क का कितना है कितना नहीं है, हमें रिस्क यहाँ पे लेना है कि नहीं लेना है, पूरा आकलन होना चाहिए। ठीक है, जो आपकी ईएमसी की वर्कशीट है आज 3 पेज की, अब की बार 1 2 3, ठीक है 3 पेज की है। तो शक्तिमान अगर बनना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क आपको अपने लेवल के हिसाब से लेना पड़ता है। तो ठीक है, तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं, जोखिम उठाना टेक रिस्क पार्ट टू, रिस्क का आकलन, रिस्क का आकलन पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ तो आप देखते हुए आ रहे हैं। वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके यह वीडियो देखिए। ये सवाल मेरी नहीं, ये वाली वीडियो को देखना है। चर्चा कीजिए कि किसी जोखिम को उठाने से पहले उसका आकलन करना क्यों जरूरी है। बहुत जरूरी है, अपनी समझ को अपने परिवार के सदस्य के साथ साझा करें। इस वीडियो को एक बार देख ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। ठीक है, पिछली बार की वर्कशीट करते हुए हमने समझा कि रिस्क का मतलब है विपरीत परिणाम की संभावनाएं। बिल्कुल, विपरीत परिणाम की संभावनाएं मतलब जो आप कर रहे हो उसके विपरीत भी हो सकता है। यदि अनुमानित लाभ रिस्क से अधिक है, जो लाभ है वो रिस्क से ज़्यादा है, तो लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। परंतु इसके लिए ज़रूरी है कि हमें रिस्क का सही तरह से आकलन करना आ जाए। ठीक है, तो जो बिजनेसमैन देखते हो ना, वो बहुत अच्छा रिस्क लेते हैं। अगर आप मुकेश अंबानी की बात करें ना, जो आपको 4G दे रहे हैं ना, 200 रुपये में 150 रुपये में इन्होंने फ्री में दिया, तो इससे पहले इन्होंने कितना बड़ा रिस्क लिया हो, सैटेलाइट लगा, इंटरनेट फ्री व्यवस्था दी, तब इनका इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद लोगों के पास इन्होंने इंटरनेट आज पहुँचा, इन्होंने आज मतलब टक्कर दे रखी एयरटेल वोडाफोन आइडिया तक को। ठीक है, तो रिस्क मतलब आपको जब फ़ायदा ज़्यादा दिखाई देना है तो रिस्क तो लेना पड़ता है। ठीक है, आओ समझे इस चीज़ को। आपको अपने लाइफ में भी रिस्क होता है, ठीक है, कहीं आना है कहीं नहीं आना है। ठीक है, कई प्रकार के आपके दैनिक जीवन में भी आपके रिस्क होते हैं। आओ समझते हैं, 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी अब विद्यालय आ रहे हैं। अरे वाह, ये मतलब लेटेस्ट वर्कशीट है आपकी, आ रहे हैं 9वीं के बच्चों। फिलहाल आप 9वीं वाले ध्यान दे रहे हो ना, आपको स्पेशल नाम लिया गया है। 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी अब स्कूल आ रहे हैं। कोविड केसेस हैं आपके बहुत कम हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आपको पता भी होगा, कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। स्पष्ट है कि डर अभी भी बना हुआ है, साथ ही साथ विद्यालय आना भी आवश्यक हो गया है। ऐसी स्थिति में आप रिस्क और लाभ की तुलना करते हुए नीचे दी गई तालिका को भरें। आप चाहें तो अपने परिवार में या किसी दोस्त से भी बात कर सकते हैं। और यहाँ देखो कितने प्यारे बच्चे दिखाए गए, ये तो यार नर्सरी वाले लग रहे हैं, 11th और 9th के तो नहीं लग रहे हैं प्यारे बच्चों, ये कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, मास्क लगा रखा है, कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, और बोर्ड इनके पीछे है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये बच्चा बता रहा है, होशियार है लगता है। ठीक है, तो चलिए पेज 1 यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है, अब चलते हैं पेज 2 की तरफ। ठीक है, पेज 2, रिस्क लेना है, किस कैसे कैसे रिस्क है, विद्यालय आने के रिस्क, डर क्या है, विद्यालय आने के लाभ क्या है, फिर रिस्क को कम कैसे कर सकते हैं। विद्यालय आने के रिस्क या डर क्या है, कोविड-19 के संक्रमण का डर है, भैया कोविड-19 हमें भी ना हो जाए, कोविड यही तो मेन समस्या है, बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं या डर रहे हैं, अभी भी कुछ और पेरेंट्स की कोविड-19 का संक्रमण उन्हें भी ना हो जाए, बीमार होने का डर है कहीं बीमार ना पड़ जाएं। ठीक है, यदि सभी बच्चे मास्क लगाकर नहीं आए तो इस बात का डर लग रहा है, यार मास्क लगा के नहीं आए तो फिर ठीक है, ये हमें अलग अलग प्रकार के सबके डर हो सकते हैं। यहाँ अगर आपको प्यारे बच्चों आपको अपना पर्सनली जो डर लग रहा है वो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। मैंने बार बार बताया ईएमसी की वर्कशीट आपके माइंडसेट के हिसाब से है, जरूरी नहीं कि इसका आंसर बिल्कुल सटीक दें आप। विद्यालय आने के लाभ क्या है, हमारी पढ़ाई जारी रहेगी, जो हमारी पढ़ाई रुक गई है ना, धीरे धीरे रुक के चल रही है, रुक के चल रही है, वो आपकी पढ़ाई अच्छे जारी हो जाएगी। प्रश्नों को सीधे हम अपने अध्यापक से पूछ पाएंगे,
ठीक है, ये दूसरा है आपका, इतना में ही है। प्रश्नों को सीधे हम किससे पूछ पाएंगे, अध्यापक से, जो भी टीचर हमसे पूछ पाएंगे, मैडम सर, ठीक है, प्रिंसिपल से तो कौन पूछेगा, डांटे लग जाएंगे, नहीं कोई बात नहीं, ऐसे नहीं होता, वो भी प्यारे बच्चों, वो भी पढ़ाते हैं काफ़ी अच्छे से, हमें लगता है डांटते पिटते हैं, ऐसा नहीं है, काफ़ी प्यार समझाते हैं, कभी बात करके देखिए। ऑफलाइन पढ़ाई में मुझे अधिक समझ आता है, इसके लाभ हैं, ऑफलाइन मुझे पढ़ाई में ज़्यादा अधिक समझ में आता है, इसका फ़ायदा होगा अगर मैं स्कूल जाता हूँ या स्कूल जाऊँगी तो। रिस्क कम कैसे कर सकते हैं, रिस्क को कम कैसे कर सकते हैं, मास्क का प्रयोग करके, सबसे पहले 2 गज जरूरी, मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी बनाकर, ये दोनों तो आपको याद हो जाएंगे अब की बार तो। तीसरा है हाथों को अच्छे से धोकर, हाथों को अच्छे से धोते रहें, सैनिटाइज लगाते रहें, ठीक है, साबुन का प्रयोग करते रहें, ठीक है, इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। अपने जेब में हमेशा सैनिटाइज की बोतल रखें, ठीक है, मास्क 2-2 रखें, एक मास्क आपको लग रहा ख़राब हो गया तो उसे काट के अच्छे से सुरक्षित जगह रख दें और दूसरा मास्क का प्रयोग करें, ठीक है, इस प्रकार से इसको हम कम कर सकते हैं। आपने जाना के रिस्क, अब यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, आपने जाना के रिस्क और लाभ की तुलना द्वारा आकलन करके रिस्क कम किया जा सकता है। जब अनिश्चितताएं अधिक होती हैं तो परिणाम विपरीत आने की संभावना बढ़ जाती है, बिल्कुल। तो आओ अब अपने करियर से जुड़ी अनिश्चितताओं और संभावनाओं का आकलन करने का अभ्यास करें। एक बार आपके करियर के बारे में बात हुई थी ना, तो उसी हिसाब से इसमें आपके रिस्क के लेके बात की जाएगी। आप अपने लिए एक पसंदीदा करियर चुनकर लिखिए। मैंने लिखा शिक्षक, और मैं शुरू जब शिक्षक है तो शिक्षक ही लिखेंगे ना, ठीक है। और अगर आपका कोई प्यारा सा हो तो वो यहाँ लिख सकते हैं, मतलब आप IAS अफसर बनना चाहते हैं, ठीक है, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपका अपना पहला वाला आपका अपना होगा। या शिक्षक में एक होता है ना PTI बनना चाहते हैं, मतलब दबंगई, मतलब स्कूल में सुधारना, डिसिप्लिन करवाना चाहते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, मतलब शिक्षक हमारा तो शिक्षक ही रहेगा, ठीक है। माता पिता से पूछे कि वे आपके लिए क्या करियर चुनना चाहते हैं, उसे लिखिए। मेरे माता पिता ने बोल दिया था जो तेरी इच्छा वो बन जा, फिलहाल तो ऑप्शन में लिखना था, तो उन्होंने कहा था, मतलब फिर भी पूछो क्या क्या, तो उन्होंने कहा था इंजीनियर बन जाओ, इंजीनियर, मतलब कि जो देखो वहाँ पे सब साइंस लेके इंजीनियर तैयारी कर रहे हैं, तो वही इनके दिमाग में था इंजीनियर बन जाओ भाई साहब, लेकिन हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं था शुरू से। अब दोनों करियर बारी बारी लेकर परिवार के सदस्यों के साथ निम्न बिंदुओं पर चर्चा करिए। अगर आपका और आपके परिवार का चुना हुआ करियर एक ही है तो घबराए नहीं, चर्चा करें और उसे बेहतर बिंदुओं को बॉक्स में लिखिए। एक कैसे हो सकते हैं, अलग अलग ही होते हैं, मोस्टली अलग अलग ही मिलेंगे आपको। तो स्वयं का चुना करियर, माता पिता द्वारा चुना करियर, वैसे माता और पिता यहाँ पे ये लगता है, ये सब नहीं लग रहा आजकल, हिंदी की वर्कशीट नहीं है क्या। उस करियर में कौन से फ़ायदे निश्चित हैं और कौन से फ़ायदे संभावित हैं। निश्चित फ़ायदा, आत्मसंतुष्टि, अगर मैं शिक्षक बनता हूँ तो मुझे आत्मसंतुष्टि होती है, क्योंकि जो बनना चाहता है वो बना और बच्चों को पढ़ाना। इससे पहले भी एक करियर के ऊपर एक आपकी MC वर्कशीट है, मैंने भी उसमें कहा था बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, उनसे बातचीत करना, उनके छोटे छोटे सवालों को काफ़ी सरलता से जवाब देना, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे मुझे आत्मसंतुष्टि, काफ़ी खुशी महसूस होती है, ठीक है, खुशी मिलेगी, ये भी आप लिख सकते हैं। दूसरा संभावना, और कौन से फ़ायदे संभावित है, संभावित कौन से हैं, समाज के लिए एक प्रेरणादायक बनना, तो समाज के लिए एक प्रेरणादायक भी बन सकता हूँ मैं, ठीक है, एक टीचर्स प्रेरणादायक भी बन सकता है, ऐसी बात नहीं, जैसे कि बहुत सारे, ठीक है, प्रकार के लोग होते हैं, हम जैसे कि मैं अपने जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनको ये बताता हूँ कि आपको जैसे कि ये कुछ ऐप्स होते हैं आपके, टिकटॉक तो बंद हो गया, वैसे एक टकाटक था, स्नैक वीडियो, ठीक है, और ऑनलाइन गेम जैसे PUBG, फ्री फायर, अब तो फौजी आ गया, ठीक है, इन सब चीज़ों में खुद नहीं खेलता, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये प्रेरणा बनना चाहता हूँ उनके लिए कि जब हम मैं नहीं खेल रहा तो आपको भी नहीं खेलना चाहिए, अगर मैं खुद खेलने लग गया तो वो भी कहेंगे जब सर और भैया हमारे खेल रहे हैं तो फिर हमें भी क्या हर्ज है, तो ठीक है, तो समाज के लिए एक प्रेरणादायक भी बनने का एक अलग से फ़ायदा इसका। और माता पिता वाला क्या है, निश्चित अच्छा वेतन, बस उनके लिए तो चाहिए कुछ हो ना हो, अच्छा वेतन होना चाहिए, अच्छी तनख्वाह होनी चाहिए, अच्छी सैलरी होनी चाहिए, ठीक है। और संभावित क्या है, अब संभावना उसमें और क्या है, कौन से फायदे संभावित हैं, संभावित सीधी सी बात है, आर्थिक स्तर पर भविष्य सुधरे, सुरक्षित रहोगा, आर्थिक स्तर पर जो आपका भविष्य होगा वो सुरक्षित रहेगा, पैसों की दिक्कत नहीं आएगी, इंजीनियर बनने के बाद किसको दिक्कत आती है,
ठीक है, तो अच्छा है। यहाँ पे पेज नंबर तो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे एक आप जरूर बताइएगा आप यहाँ पे क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। आप पर्सनली यहाँ पे आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, आप यहाँ पे क्या बनना चाहते हैं। शिक्षक बनना चाहते हैं, डॉक्टर, नर्स, रेसलर, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्समैन, ठीक है, आप अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है, कोई अलग अलग फील्ड में जाना चाहते हो, तो यहाँ जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मैं तो शिक्षक, तो मैंने शिक्षक लिखा, आप क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पेज 2 समाप्त हो जाता है, पेज 3 की तरफ आ जाते हैं, पेज 3 की तरफ आते हैं अब। तो इस पेज 3 में भी है आपका, उस करियर को शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तें, योग्यताएं व संसाधन क्या है। अब ये देखिए, उच्च शिक्षा, अब पढ़ा रहे हैं तो उच्च शिक्षा तो होनी चाहिए, और दूसरा है वह बच्चों को पढ़ाने में रुचि। सबसे बड़ी शर्त यही होती है प्यारे बच्चों, बच्चों को पढ़ाने में रुचि है या नहीं है। मैंने, ठीक है, अगर आपने देखा होगा बच्चों को पढ़ाने में रुचि है तो टीचर बहुत हंस के पढ़ाएंगे, लाइक मी, है नहीं। सबका अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का, लेकिन हर एक टीचर का पढ़ाने में रुचि है वो तो अच्छी बात है। फिर उच्च शिक्षा तो होती है, शिक्षक के बाद उच्च शिक्षा होती है, तभी वो पढ़ाता है, ठीक। और दूसरे वाले में क्या से उच्च शिक्षा, आप इंजीनियर बनना है तो उसमें उच्च शिक्षा ही है, सीधी सी बात है। आपने अगर उच्च शिक्षा ले ली तो आप इंजीनियर बन सकते हैं। उस करियर के साथ क्या क्या अनिश्चितताएं, पता नहीं क्या होगा, जुड़ी हुई हैं। अनिश्चितताएं क्या है, प्राइवेट स्कूल में तनख्वाह कम होगी, ठीक है, ठीक है, कम है भैया। अगर सरकारी स्कूल में वैकेंसी कम, जिसको नहीं पता वैकेंसी तो सभी बच्चे जान ही गए होंगे, वैकेंसी वो होती है ना, मतलब जो सीटें होती हैं खाली हैं, इसमें भर्ती होने वाली है, वैकेंसी उसे कहते हैं। पता नहीं क्या होगा, ठीक है, अगर सरकारी स्कूल में वैकेंसी कम है, ठीक है, नहीं हुआ तो, ठीक है, प्राइवेट स्कूल में तनख्वाह कम है, ठीक है। अब समझ लो, समझ रहे हो, ये तो प्यारे बच्चों आपको तो प्यार से पता ही होगा, सरकारी स्कूल में सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे प्राइवेट से भी पढ़ के आए होंगे, तो इस चीज़ को समझोगे काफ़ी अच्छे से आप। अगर आपके पढ़ाने में रुचि है, अगर आपके पढ़ाने में रुचि है तो क्या प्राइवेट क्या सरकारी, आपको पढ़ाने में मजा आना चाहिए, ठीक है। हाँ तनख्वाह भी कहीं ना कहीं मैनेज करती है, लेकिन ये प्राइवेट वाले जो हलकट होते हैं ना, कई ज़्यादा ही कम देते हैं हलकट, कोई बात नहीं, आगे आते हैं। और दूसरे वाले में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसमें क्या होगी यार, पता नहीं क्या होगा, इतनी मतलब उसमें वहाँ पे एक से एक बंदे बढ़ के आएंगे, अधिक समय लगेगा, ठीक है, मन का एकाग्र ना होना, हो सकता है मन का एकाग्र नहीं होगा क्योंकि यार कहने पे आए हैं, चलो बनते हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, मन का एकाग्र नहीं रहेगा आपका, इधर उधर दौड़ते रहे, भागते रहेंगे, ठीक है। उस करियर में कौन कौन से विपरीत परिणाम संभावित हैं, विपरीत हो सकता है, पढ़ाने का तरीका बच्चों को पसंद ना आए, और सब कुछ सारा यहाँ पे खेल खत्म हो जाएगा। फिर इससे अगर जैसे कि यहाँ पे जो हमने चुन रखा है उसके, उस करियर में कौन से विपरीत परिणाम संभावित हो सकते हैं, कौन से परिणाम जो हमारे वाले हैं स्वयं जो चुना करियर है उस वाले में हो सकता है पढ़ाने का तरीका बच्चों को पसंद ना आए। आपका पढ़ाने का मन है लेकिन आपके पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आ रहा है बच्चों को, फिर बच्चे आपसे नहीं पढ़ना चाहेंगे, आपसे नहीं पढ़ना चाहेंगे तो आप फिर क्या करोगे, पढ़ा ही नहीं पाओगे, जब बच्चे नहीं होंगे तो फिर क्या पढ़ाओगे आप। तो ये एक अलग है, आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर हैं जो मतलब बहुत मन लगा के पढ़ा रहे होते हैं स्कूल में, ठीक है, और कई टीचर होते हैं बस पढ़ा रहे हैं, बच्चे उसे पढ़ भी नहीं रहे हैं, क्लास कहीं और चल रही है। हमारे स्कूल में भी देख रखा है, टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, बच्चे कहीं और बात कर रहे हैं, सब चल रहा है, मतलब इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। जो फाउंडेशन होती है, जो बॉन्डिंग होती है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, ये काफ़ी मस्त होनी चाहिए, ठीक है, छकास होनी चाहिए, बिल्कुल एक फ्रेंडली तरीके से पढ़ाना चाहिए। हमारे टाइम पे बस एक दो टीचर थे जो फ्रेंडली टाइप के थे, ठीक है, मैथ वाले जो टीचर थे वो फ्रेंडली थे, काफ़ी अच्छा व्यवहार करते थे, कई बार तो इसे ऐसा मजाक हो जाता था वो गुस्सा कर जाते थे, ठीक है, तो कोई बात नहीं। और कई ऐसे खड़ूस होते थे कि मतलब कि रहन दो, पूछो ही मत, इससे अच्छा तो खुद ही पढ़ लो, ठीक है। तो ये संभावित तो इसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं कि पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आए तो क्या करें, हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव भी नहीं है, और उस करियर के विपरीत कोई अन्य जॉब करना, ठीक है, संभावित परिणाम ये, अगर वो नहीं जॉब लगी तो हमें कोई अन्य जॉब, अगर हम इंजीनियर नहीं बने तो हमें कोई मजबूरन को फिर और जॉब करनी पड़ेगी। तो यहाँ से ये बढ़ जाता है आपका, हमारे साथ साझा करें, चलिए इतने देर से तो साझा ही कर रहे हैं बच्चों, एक और साझा कर लेते हैं। इन सवालों पर बात कर करके आपको अपने चुने हुए करियर में रिस्क लेने के बारे में क्या लग रहा है, यह मेरा खुद का चुना हुआ करियर है, मुझे और मुझे पसंद है,
मुझे इसमें मुझे सफलता प्राप्ति का अवसर अधिक है, इसलिए मैं रिस्क लूंगा। रिस्क लेने के बारे में क्या लग रहा है? अरे सीधी सी बात है, जो आपको पसंद है उसे उसमें रिस्क लो, ठीक है, और इसमें रिस्क लेना भी चाहिए। और दूसरा क्या है, यदि आपको लगने लगे कि किसी महत्वपूर्ण काम को करने में रिस्क ज्यादा है तो आप क्या करेंगे? उदाहरण देकर बताएं, हाँ मैं उस काम को करूंगा, रिस्क ज्यादा हुआ तो क्या हुआ? ज्यादा रिस्क ज्यादा फायदा, याद रखना, ज्यादातर हमेशा ये होता है, ज्यादा रिस्क ज्यादा फायदा, महत्वपूर्ण काम है और मतलब ज्यादा ही फायदा है उसमें। उदाहरण, मैं अपनी 12वीं की पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर कोर्स भी करूंगा। जैसे कि 12वीं पढ़ाई के बाद कुछ लोग और हो सकता है उनके पास टाइम ना मिले, दूसरा काम करने लगे, कुछ ऐसे ऐसी जॉब करनी है जिसमें कंप्यूटर चाहिए 12th के बाद भी, तो 12वीं पढ़ाई के साथ साथ मैं कंप्यूटर कोर्स भी करूंगा जिससे मुझे बहुत ही फायदा होगा। ठीक है, उदाहरण इस प्रकार से हो जाएगा आपका। नीचे लिया गया है लास्ट में, किसी भी कार्य में फायदे के साथ साथ थोड़ा बहुत रिस्क तो होता ही है। रिस्क लेने का मतलब है अनिश्चितताओं से न डरना और फायदे एवं नुकसान की संभावनाओं को समान भाव से तौलते हुए आगे बढ़ना और इस क्षमता को विकसित करना जो बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेते। ठीक है, मतलब कि आपको इस क्षमताओं को विकसित करना है, कि मतलब रिस्क लेना सिखाना है आपको यहाँ पे। और लास्ट वाली लाइन काफी ध्यान से पढ़िएगा, जो बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेते, जो बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेते और सुरक्षित निर्णय लेते हैं वे अच्छे अवसर खो सकते हैं, अच्छे अवसर को खो सकते हैं। इस पैंडेमिक में, इस कोरोना वायरस के दौरान में भी आपने देखा होगा बहुत लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने थबार धम धमा धम अपने करियर की ऊंचाइयों को हासिल कर लिया। आपने देखा होगा इसमें से एक में और आप भी है। अगर ये कोरोना वायरस के दौरान ये ऑनलाइन स्टडी आई, ऑनलाइन स्टडी के दौरान मैं और आपसे बॉन्डिंग हो पाई और मैं आपसे जुड़ पाया, तो ये मेरे लिए तो अच्छा ही था। ठीक है, अवसर का मैंने लाभ उठाया और टीचर भी यहाँ पे ऑनलाइन आके पढ़ा सकते थे, जस्ट मैंने हिंदी वाले को उठाया, कई टीचर और बड़ा फायदा उठा रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ठीक है, 7, 6 सब ले रहे हैं, तो अच्छी बात है, सबका अपना अपना अवसर है। अब यहाँ पे अभी है कि आप ऑफलाइन पे ध्यान भी देना है, आपको ऑनलाइन पे भी ध्यान देना है, किसी का ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, यहाँ पे रिस्क दोनों चल रहा है, मैं ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी चल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं रिस्क ही है। ठीक है, तो रिस्क लिया है तो तभी तो प्यारे बच्चे आप लोगों से मुलाकात हुई। भाई सीबीसी क्लास के जुड़ने के लिए भी धन्यवाद, और मुझसे जो आप उस पर बात करते हैं, क्या कहते हैं कि गूगल मीट पे बात करते हैं, तो उसके लिए धन्यवाद। जो बच्चों गूगल मीट पे नहीं मिल पाता है उसे माई सीबीसी क्लास का टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं आप आसानी से हर सैटरडे को गूगल मीट का लिंक देता हूँ, वहाँ पे फेस टू फेस बात होती है, हर मैं आपकी बातें भी सुनता हूँ। तो ठीक है, तो अच्छा लगा है, ऑनलाइन रिस्क लिया है थोड़ा सा और मेरा ऑफलाइन भी चल रहा है, तो ठीक है, सब कुछ कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिस्क लिया फ़ायदा हुआ और प्यारे बच्चे से मुलाकात हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी माई सीबीसी क्लास के वीडियो देखने के लिए भी धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।